अशोकनगर जिला मुख्यालय पर खेल और युवक कल्याण विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संजय स्टेडियम में 21 अप्रैल से किया जा रहा है। इस खेल प्रशिक्षण को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस प्रशिक्षण की व्यवस्था एक चौकीदार के भरोसे है, जिस कारण यहाँ अव्यवस्थाएं नजर आ रही है, जिसके चलते जिला खेल अधिकारी एवं खेल एवं युवक कल्याण विभाग संजीता राठौर के द्वारा चौकीदार को नोटिस देने की बात कही जा रही है। देखा जाए तो इस ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण में बच्चों को सुबह व शाम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, बैडमिंटन, हॉकी आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की, तो यहाँ बच्चों को ना तो पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है, ना ही कुछ और, जिसके चलते बच्चों को जिम में जाकर पानी पीना पड़ रहा है। वहीं आने वाले भविष्य के इन युवा खिलाड़ियों को नाश्ते में मिलने वाला पौष्टिक आहार भी गायब है, जो कि कभी कभार ही दिखाई देता है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है, सामने आई कि यहां प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को खेल सामग्री भी नहीं दी जा रही, जिसके चलते इन बच्चों को स्वयं की सामग्री लाना पड़ रही है। जबकि देखा जाए तो विभाग ने खेल सामग्री भरी पड़ी हुई है, लेकिन इन खिलाड़ियों से बहुत दूर है। वहीं बात करें सफाई व्यवस्था की, तो हर तरफ गंदगी फैली हुई है, जिससे बच्चों को दुर्गंध आती है। शिविर में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जबकि शिविर के दौरान यदि कोई घायल या बीमार होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह एम्बुलेंस कुछ दिन आकर बंद हो गई, जिससे यदि बच्चे घायल या बीमार हुए तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार किया जा सके। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पर जो गेम, कौन से गेम खेलते हो आप? तो इसमें क्रिकेट में आपको पूरी किट दी जाती है क्या? नहीं। तो क्या आप घर से लेके आते हो? जो तो यहाँ पर पानी का प्रबंध भी है? पानी कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। और जो चने दिए जाते हैं वो? दो तीन दिन छोड़ छोड़ के दिए जाते हैं। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन जब इसकी सच्चाई जानना चाहिए तो सामने आया कि दो तीन दिन आने के बाद इसको बंद कर दिया गया। इस दौरान जब शुक्रवार को बच्चों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें प्यासे रहकर ही प्रशिक्षण लेना पड़ा, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने के लिए पौष्टिक नाश्ता। अब सवाल यह उठता है कि यदि इन बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं देखना यह होगा कि इस तरह अधिकारियों के द्वारा चौकीदार को पूरा जिम्मेदारी देकर अपने आप को इस लापरवाही से बचाने का खेल कब खत्म होगा। आने वाले भविष्य को कब इस विभाग के द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, या फिर इसी तरह इन ओनिहालों के साथ यह मजाक चलता रहेगा? अनियमितता का जो है इसका मतलब कंप्लेन मिली, तो फिर जो कर्मचारी उसके लिए उत्तरदायित्व है, ऑलरेडी उनको दे रखा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जूली सहेड़िया है हमारे संविदा चौकीदार है, उनको दे रखा है हमने ऑफिशियल जो भी सामग्री प्रदाय करने का, या फिर उनको हम लोगों ने आज नोटिस दे दिया है और फिर उनको ये भी वार्न कर दिया है नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो फिर उसके ऊपर कड़ी मतलब कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।